मोदी जी मुझे काम करने ही नहीं देते। हाँ जी, सालों साल ये बहाना सुन सुनकर दिल्ली वासियों और देशवासियों के कान पक गए हैं। अब हाई टाइम है, बस अरविंद केजरीवाल जी, सेंटर, मोदी जी, एलजी, हर एक को ब्लेम करना बंद कीजिए और अपना काम कीजिए। क्या कहा था इन्होंने? मैं पूरी दिल्ली का 3 महीने के अंदर अंदर टीकाकरण पूरा करा दूंगा, बस मुझे मोदी जी करने ही नहीं दे रहे। ये जानते हुए भी कि सप्लाई सिचुएशन क्या है, ये निकल पड़े हैं डिसेंट्रलाइजेशन की मांग करने। अरे, राजनीति का मौका मिल रहा है तो करते रहो, कोई काम के बारे में पूछेगा तो कह देना काम तो मोदी जी करने ही नहीं देते हैं, है ना? और लो, मोदी जी ने वैक्सीन पॉलिसी डिसेंट्रलाइज भी कर दी, अब तो काम करना पड़ेगा, वैक्सीन देने ही पड़ेंगे तो करना। पर नहीं, केजरीवाल जी काम करेंगे ऐसा कैसे? सिर्फ बकैती, सिर्फ झूठ, सिर्फ ब्लेम गेम और ज्ञानबाजी, इनसे सिर्फ यही काम हुआ है पिछले सालों में। वैक्सीन पर इतनी निचली स्तर की राजनीति की इन्होंने, कभी वैक्सीन एक्सपोर्ट का बहाना, कभी टैंक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब और न जाने क्या क्या। इनकी राजनीति के चक्कर में दिल्ली भर में वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े, सिर्फ और सिर्फ बहाना, जनता के काम कभी मत आना। आप सोचते होंगे कि कोई ऐसा क्यों करेगा, ऐसी जानलेवा बीमारी सर पर है तो कोई क्यों बार बार ऐसी बयानबाजी में अपना टाइम वेस्ट करेगा। देश भर में कोविड की सेकेंड वेव आई है, लेकिन दिल्ली में 4 वेव आ चुकी हैं और हर बार सेंटर को, मोदी सरकार को आना पड़ा है दिल्ली वासियों को बचाने। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल फ्लॉप पर फ्लॉप दिए जा रहा था तो केजरीवाल ऐसा क्यों होने दे रहे थे? इससे अच्छा काम ही कर लेते। अरे, काम कैसे करते, मोदी जी मुझे काम ही नहीं करने देते, है ना? सिर्फ कोविड ही नहीं, पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हर एक चीज को हर एक लेवल पर दिल्ली के मालिक ने मिसमैनेज ही किया है। एजुकेशन, क्या कहा था, हम दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लाएंगे। केजरीवाल की डेफिनेशन के अनुसार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मतलब है बिल्डिंग की रंगाई पुताई करवाना। जी हाँ, एड्स के अलावा बस इन्हीं चीजों में पैसे खर्चा किया जाता है। दिल्ली एजुकेशन रिवॉल्यूशन का सच क्या है, 2014 से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में बच्चों की एनरोलमेंट रेट कम हुआ है। जो बच्चे क्लास 9th में एनरोल हुए थे उनमें से आधे से भी ज्यादा तो 12वीं क्लास तक पहुँचे ही नहीं, और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नेशनल एवरेज से भी कई स्तर नीचे है। मोदी जी काम करने नहीं दे रहे हैं क्या? पर ये तो आपका ही काम था, आपके ही कंट्रोल में था, ये क्यों नहीं कर पाए? बस बहुत हुआ। हाँ, मतलब केजरीवाल ने यही कहा था, हम दिल्ली में बसों की लाइनें लगा देंगे। लाइनें तो लग गई, लेकिन बसों की नहीं, बसों के आगे। केजरीवाल काल में DTC की बसें एक्चुअली बढ़ने के बजाय नंबर्स में घटी हैं। इनफैक्ट यही स्थिति रही तो फिर दिल्ली में 2025 तक सिर्फ 204 बसें ही बचेंगी। कहां 10,000 बसें देने का वादा किया था, और आज स्थिति ये है कि दिल्ली में 500 से ज्यादा बसें एक बार में नहीं चलती हैं। इसमें तो मोदी जी का कोई रोल नहीं था ना, ये तो केजरीवाल का ही काम था। नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, तो ये क्यों नहीं किया? हम यमुना को पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, आपको यमुना में गोता लगवाएंगे, डुबकी लगवा देंगे जी। हर थोड़े दिनों में केजरीवाल के वादों का झाग यमुना पे फ्लोट होता हुआ सबको नजर आता है, लंदन नहीं तो स्विट्जरलैंड का नजारा होता है। आप यही बता दो कि कंटेमिनेशन लेवल में कोई इम्प्रूवमेंट की है या नहीं। इनफैक्ट कभी कभी तो यमुना इतनी मैली हो जाती है, इतने पॉल्यूटेंट जमा हो जाते हैं कि दिल्ली में पानी की सप्लाई भी ठप हो जाती है। मुफ्त पानी देने का वादा करने वाले गरीबों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। महामारी के दौरान भी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में पानी की बहुत किल्लत थी, जहां दिल्ली की आधी वाटर सप्लाई अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग है। दिल्ली सरकार ग्राउंड वाटर निकाल कर क्या कर रही है पता है? गार्डनिंग। अरे, मोदी जी पानी सिर्फ गार्डन में सप्लाई करने के लिए देते हैं, क्यों केजरीवाल? ये तो आपका काम था तो कर ना। अब बिजली की बात करते हैं, मुफ्त बिजली देने का इनका क्लेम है, लेकिन असलियत क्या है? लॉकडाउन के समय का हाल बताते हैं, मार्केट्स बंद थी, ऑफिसेस बंद थे, लेकिन दिल्ली के व्यापारी तबके पर बिजली गिरी, हाई फिक्स चार्जेस और आसमान छूती कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स की बिजली। जी हाँ, इसे मुफ्त बिजली कहते हैं केजरीवाल। और महामारी के कारण घर पर बैठे लोगों का क्या, ज्यादा बिल्स आए तो सब्सिडी नहीं मिली, भाई वाह। इनफैक्ट ये भी बाहर आया कि केजरीवाल ने पावर कंपनीज के साथ मिलकर अपनी जेब गर्म करने के लिए सांठ गांठ कर ली है। भाई केजरीवाल जी, मोदी जी काम नहीं करने देते का राग अलापने वाले केजरीवाल जी अपना काम निकालना सही जानते हैं, लेकिन पब्लिक का क्या? बिजली देना तो आपके हिस्से में आता है ना, है कि नहीं? वैसे स्टेट्स के हिस्से में तो हेल्थ केयर भी आता है, लेकिन केजरीवाल जी अपने हिस्से का दोष भी मोदी जी के सर मर देते हैं। अब ये देख लीजिए, एक RTI रिपोर्ट के अनुसार
केजरीवाल सरकार ने इतने सालों में एक भी अस्पताल, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाए हैं। इतने ऑक्सीजन दे देंगे, इतने बेड्स दे देंगे, इतने इंजेक्शन दे देंगे, इतने वेंटिलेटर्स दे देंगे, फलाना ढिमकाना। दिल्ली को महामारी के समय में तो आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सोचिए अगर एक भी अस्पताल बनाए होते तो इतनी जाने बच सकती थी। जान बचाना अगर आपके एजेंडे में नहीं आता तो यही सोचकर बना देते कि किसी दिन अपना अस्पताल होगा तो DRDO की फैसिलिटी में जाकर फोटो ऑप तो नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं फ्लाईओवर्स पर। दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो सबको मालूम है। केजरीवाल जी, आपने इसके लिए क्या किया? कितने रोड्स ठीक कराए, कितने फ्लाईओवर्स बनवाए? यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज जैसी सड़कें बनाएंगे, बिना खड्डे वाली सड़कें। हाँ, शायद खड्डे हटाने का आपका फॉर्मूला यही था कि सारी तरफ सड़कों की खुदाई कर दो, ना रहेंगी सड़कें और ना रहेंगे खड्डे, राइट? भाई, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने वादा भी किया था, तो क्या किया? मोदी जी को ब्लेम करने से क्या दिल्ली की सिचुएशन ठीक हो जाएगी? ब्लेम गेम के अलावा एक और चीज आप बहुत बेहतरीन करते हैं, क्रेडिट चुराना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रेडिट चुराने में आप सबसे तेज थे, है ना? तो केजरीवाल जी, आखिर ये कब तक चलेगा? आप कब तक सेंटर को ब्लेम करते रहेंगे? कब तक? सड़कें, पानी, बिजली, अस्पताल, रोटी, भाई ये सब तो बेसिक चीजें हैं ना। आप दिल्ली को ये तक नहीं दे पाए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैक्सीन दे देंगे, घर घर राशन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हवा में बातें करने के अलावा आपके पास और कोई काम है? और केजरीवाल जी, आखिर ये कब तक चलेगा? आप कब तक सेंटर को ऐसे ही ब्लेम करते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? कब तक दिल्ली ऐसे ही बेहाल और बदहाल रहेगी? लंदन नहीं तो दिल्ली को दिल्ली ही बना दो।